20 तारीख को हल्द्वानी का आया है और राम झूला में भारत साधु समाज आध्यात्मिक योगासन और ऋषि के इसमें रह रहे दुकानदारों का भी इसी तरीके से 22 तारीख को मुकदमा आया है, जो हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर उन दुकानों को तोड़कर और साफ करके और सूचना देने का किया है। बिना जाति धर्म और भेदभाव के सरकार की जितनी भी भूमि भारत पूरे भारत में जहाँ पर भी है, जो भी अतिक्रमण हो रहा है, वर्तमान में सरकार की भूमि सरकार को बचाना बहुत ही आवश्यक है। जो ये पहल हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारे 4 धाम तक ऐसे रोहिंग्या जिनको हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पीछे चिन्हीकरण के लिए भी शासन को आदेश किया था और पुलिस प्रशासन ने उसका चिन्हीकरण किया, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारी संपत्तियों को कब्जाने के लिए जिस प्रकार से हल्द्वानी में 4000 से अधिक लोग वहाँ पर स्थापित है, उन्हें पुलिस प्रशासन लगाकर खदेड़ना चाहिए और उत्तराखंड राज्य में ऐसे अवैध घुसपैठियों को घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से जहाँ जहाँ ऐसे अवैध घुसपैठिए, हम लोगों की मांग भी रही है, इस देश में 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको बाहर करना चाहिए। कुछ राजनीतिक लोग, विशेषकर कांग्रेस, जो राजनीतिक वोट बैंक के कारण ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, ऐसी देश के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए, जो अवैध संपत्ति हो या अवैध कब्जा, वो हटना चाहिए। रही बात कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, भाई ये देवभूमि है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की देवभूमि में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, कम से कम हर की पैड़ी के 100 किलोमीटर के दायरे में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अवैध कब्जे जो सरकार हटा रही, वो अच्छा कर रही है, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, ओबीसी जैसे लोगों को तो राजनीति, गंदी राजनीति करनी है भाई। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, इसलिए इन पर कुछ कहना उचित नहीं है।